हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर के होम साइंस के फर्स्ट पार्ट में जो आपके सेकंड यूनिट में जो आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है उनमें आज मैं आपको सिल्क यानी रेशम की जो प्रॉपर्टीज़ उनके बारे में बताऊंगी। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि रेशम जो है उसकी हिस्ट्री क्या है और इसके बाद ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रेशम की आखिर ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जानी है। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों के जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो 20 तारीख तक फिल हो रहे हैं, सो आप लोग 20 जून तक हर हाल में आप लोग फिल करा करके उसका प्रिंट आउट कॉलेज में जमा कर दें। प्लस आपके जो एग्ज़ाम हैं वो जुलाई में होने वाले हैं, सो आप लोग तैयारियाँ स्टार्ट कर दें। प्लस फाइल और प्रोजेक्ट जो भी आपके बनने हैं, असाइनमेंट वगैरह जो तैयार होने हैं, उसके लिए आप लोग कॉलेज आना स्टार्ट कर दीजिए और मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले जो हमारी रेशम होती है या जो हमारी सिल्क होती है उसकी जो आपकी भौतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए कि इसकी आखिर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं और कौन सी हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जो रेशम के रेशे होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा एक नाइट्रोजन होता है जिससे कि ये प्रोटीन बनता है। क्योंकि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, लेकिन साथ में जब इसमें नाइट्रोजन मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा प्रोटीन रेशा। क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन विद्यमान होता है, जैसे हमारा शरीर है वो भी प्रोटीन से बना होता है। तो इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। अगर इसमें जो सैरिसिन मिला होता है, सैरिसिन क्या कहलाती है, एक तरह की गोंद होती है जो कि इसमें मिली हुई होती है रेशम के रेशों में, और यही जो है हमारे प्रोटीन के तत्व से बने हैं और यह रेशे का 95% भाग बनाते हैं। और जो 5% अंश जो है उसमें मोम हो गया, वसा हो गया, ऐश हो गया, इनसे बनता है। और लेकिन इनमें जो गंधक होता है उसका पूर्णतया अभाव पाया जाता है, तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी रचना क्या है, इसका कलर वगैरह क्या है। तो अगर हम इसे यंत्र द्वारा देखते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, अगर हम उससे देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो रेशा होता है वो दोहरे रेशों से मिलकर बना होता है। और ये कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है, बहुत ही ज़्यादा चमकदार रेशा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो कीड़े होते हैं उनकी ग्रंथियों से एक लार निकलती है जिसे हम गोंद कहते हैं, सेरेसिन, जो चिपक कर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और जब ये एक हो जाता है तो चिपके रहने के कारण अगर हम उसे यंत्र द्वारा देखते हैं तो इसकी जो रचना है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती, बल्कि कैसी होती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, आसमान दिखाई देती है। और जब हम इस गोंद को हटा देते हैं तो इसका जो बाह्य रूप होता है वो कैसा हो जाता है, एकदम चमकदार हो जाता है, पारदर्शी होता है और बिल्कुल सीधी रेखा के समान जो है वो हमें दिखाई देता है। और वहीं पर अगर हम वाइल्ड सिल्क की बात करें, वाइल्ड सिल्क यानी जो हमारी जंगली रेशम होती है उसका रेशम कैसा होता है, बिल्कुल आसमान होता है, चपटा होता है और बहुत ही ज़्यादा लहरदार होता है। और इसकी जो सतह होती है काफ़ी चौड़ी चपटी होती है और वर्टिकल रेखाओं में ये बारीक होती है, क्योंकि जो लंबवत रेखाएँ होती हैं उसमें ये दिखाई देती हैं। और इस कारण जो संपूर्ण रेशे का रंग है वो गहरा और भूरा सा दिखाई देता है। अगर हम गोंद रहित रेशम की बात करें तो ये चिकनी और बेलनाकार हो जाती है, क्योंकि उसमें से जो गोंद है, जो सेरेसिन है, उसको निकाल दिया जाता है। और देखने में ये इसकी जो मोटाई है वो कांच की जो छड़ होती है उसके समान हमें दिखाई देती है। अब इसकी अगर लंबाई स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी जो रेशा होता है काफ़ी लंबा होता है और ये 800 से लगा के 1200 मीटर तक का एक रेशा होता है, जिससे ये चिकना चमकदार जो वस्त्र है वो बनता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेशे की जो लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 800 से लगा के 1200 मीटर तक होती है। अगर हम इसमें बात करें कि इस पर मॉइस्चर का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी आर्द्रता जो होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस पर नमी का जो है कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका रेशा जो है गीला होने पर ना तो सिकुड़ता है और ना ही ये फैलता है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसमें जो आर्द्रता का प्रभाव है वो काफ़ी कम जो है होता है। इसके साथ ही अगर आप आगे बात करते हैं कि रेशम से जो नमी है वो कैसा है, तो
और इसमें अवशोषकता का जो है वो गुण पाया जाता है, और इसमें जो नमी है वो 10-30% तक जो नमी है वो बिना गीली प्रतीत हुए ही ग्रहण कर लेता है, परंतु जब ये लिनन व धागे के समान नमी को वस्त्र में आसानी से नहीं फैलता है और पानी के रेशम पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु अगर अधिक समय तक नमी में रहने पर सफ़ेद वस्त्र का रंग जो है वो भद्दा पड़ जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आदरता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई खास प्रभाव जो है वो हमारा नहीं पड़ता है। ताप के संचालन की बात करें कि मतलब इसकी जो हीट कंडक्टिविटी है वो क्या है, तो यह जो रेशा है वो काफ़ी प्राकृतिक होता है। प्रोटीन निर्मित होने के कारण ताप का ये अच्छा संचालक नहीं होता है, यह ताप का ऋणात्मक जो है वो संचालक होता है और ये शरीर की जो गर्मी है उसको भी बाहर नहीं निकलने देता है, इसलिए यह कॉटन लिनन या रेयन की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। तो रेशम का जो रेशा है वो काफ़ी गर्म माना जाता है। और